नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण करंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, भारत और नेपाल संबंध के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने भारत और चाइना के संबंध के बारे में डिस्कस किया है, जो अभी हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ है। आज हम जानेंगे, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच भी ऐसे क्या संबंध, मतलब इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी क्यों इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जो भारत और नेपाल के बीच भी एक तनातनी की स्थिति बन जाती है। तो भारत और नेपाल के बीच जो सिचुएशन है इस टाइम पर, और उसमें जो मुख्य कारण है एक लड़ाई का, वो है एक काला पानी जगह है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ये विवाद क्या है, इसके बारे में वीडियो को अंत तक देखें और बहुत विस्तार से हम इस चीज़ को समझेंगे कि काला पानी कौन सी जगह पर है और क्यों इसे अपनी जगह बताता है भारत और क्यों इस पर दावा करता है अपना नेपाल। तो इन चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और अगर वीडियो अंत तक अवश्य देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि काला पानी सीमा विवाद क्या है। यह विवाद क्या था, अभी कुछ समय पहले ही 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विभाजन देश में लागू किया गया था। उस समय पर क्या हुआ था कि नवंबर में भारत ने अपना एक नया भू राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नेपाल ने इस नक्शे पर अपनी आपत्ति जताई है। नेपाल ने क्यों आपत्ति जताई है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। यह विवाद काफी चर्चा में रहा था, इसके पीछे का कारण था, ये नेपाल नहीं यहाँ पे भारत है, कि भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया था, जिसमें काले पानी की जगह को पहले जैसा ही पिथौरागढ़ में दिखाया गया था। लेकिन है क्या, इस पर नेपाल भी अपना दावा करता है और कहता है कि ये दार्चुला जिले का भाग है। भारत इसे पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है। काला पानी एक ट्राई जंक्शन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो जब करंट अफेयर चल रहा होता है उस समय पर आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहीं से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। पूछा जा सकता है काला पानी अभी एक हॉट टॉपिक है या लद्दाख एक हॉट टॉपिक है, तो इन सभी के बारे में वहाँ की आपको भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सी सीमाएँ लगती हैं, क्या उसके चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में विस्तार से समझेंगे उतना आपको करंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर कहीं पर भी करंट में किसी चीज की बात आती है तो वो आपको अच्छे से जानकारी उसके बारे में ले लेनी चाहिए। दार्चुला जिला, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप हमें ये सारी चीजें अवश्य बताएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि काला पानी क्या है, एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं यहां पर मिलती हैं, और ये क्या है, एक उत्तराखंड का हिस्सा इसे मानता है। भारत क्या करता है, इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल क्या करता है, नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। भारत ने कहा था कि नक्शे में नेपाल की सीमा के साथ किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं भारत की एक नीति है, भारत कभी भी अपनी विस्तारवादी नीतियों में ये सारी चीज़ें नहीं करता, वो कभी भी अपनी साम्राज्यवादी नीतियाँ या विस्तारवादी नीतियाँ वो कभी लागू इस तरीके से नहीं करता। जैसे कि चाइना ने अभी लद्दाख में घुसने की कोशिश की, भारत ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, अगर कोई हमारे देश की सीमा में घुसेगा तो जाहिर सी बात है हम उसे पीछे धकेलेंगे, और अभी भी भारत ने वही किया। भारत के सैनिक अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो अपनी सीमा की सुरक्षा तो वो करेंगे ही, वो चीज तो करता है, लेकिन कभी भी किसी की सीमाओं में घुसकर वो अतिक्रमण नहीं करता है। नेपाल ने ऐसा इस पर दावा किया कि ये जो काला पानी की जगह है वो हमारे देश की है। वहीं नेपाल का कहना है कि 58 साल पहले तक नेपाल के लोग यहां की जनगणना में शामिल थे। मतलब कितने साल पहले, 58 साल पहले की ये बात बता रहे हैं। और जो महाकाली नदी है, जिसे हम पहले काली नदी के नाम से जानते थे, वह काला पानी नदी, काला पानी से होकर बहती है, और इसके साथ ही नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी करती है। महाकाली नदी से 1916 में एक संगोली की संधि हुई थी, जिसके द्वारा ये सारी चीजें निर्धारित की गई थी। भारत का कहना है कि महाकाली नदी की काफी सहायक नदियां हैं जो आकर काला पानी में मिलती हैं।
महाकाली नदी की शुरुआत भी काली पानी से हुई है, मतलब जो काला पानी है वहीं से ही महाकाली नदी की शुरुआत भी भारत मानता है और कहता है कि ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड का हिस्सा है। और नेपाल इसकी शुरुआत कहाँ से मानता है, लिपुलेख दर्रे से। मतलब विवाद कहाँ कहाँ है, देखिए जरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, जो महाकाली नदी है उसका विवाद किस किस के बीच है, उसका काला पानी और लिपुलेख दर्रा। नेपाल कह रहा है कि लिपुलेख दर्रे से है और भारत कह रहा है कि ये काला पानी से है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को खुद पुट अप करिए अपने आप से और जितना ज़्यादा हो सके उतना करण को पढ़िए और नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा संगोली की संधि को भी देख लेते हैं, नेपाल क्या दावा करता है। नेपाल कहता है नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच संगोली की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, संगोली की संधि 1816 में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था जो नेपाल के राजा ने युद्ध में जीतकर हासिल किए थे। इनमें पूर्वोत्तर के सिक्किम रियासत तथा पश्चिम के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली नदी महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई थी। तो ये एक संगोली की संधि थी। संगोली की संधि जनरली एग्जाम में अभी तक ऐसे नहीं पूछी गई, लेकिन इसके पीछे को जब अब ये विषय बन गया ना काला पानी, तो ये पूछी जा सकती है कि कब हुई थी और इसमें क्या क्या सीमाएं निर्धारित की गई थी, किस तरीके किस में प्रावधान थे। तो ये थोड़ा सा आपको डीप में पता होना चाहिए। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो नया डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।